मैं एडवोकेट किशन सन्मुखदास धावनानी गोंदिया महाराष्ट्र से। साथियों, कल हमने 20 नवंबर 2024 को देखे कि चुनाव जैसे ही समाप्त हुआ 6 बजे तो मीडिया में पूरे एग्जिट पोल आना चालू हो गए। उसमें ऐसा दिखाया जा रहा था कि महायुति और महाविकास आघाड़ी का बहुत ही जोरदार टक्कर है, जो कि हम शुरू से ही देखते आ रहे थे। मेरी पिछले एक महीने से दोनों पे महाविकास आघाड़ी और महायुति के मीडिया के थ्रू नज़र पूरी बनी हुई थी और अपने में गोंदिया विधानसभा क्षेत्र पे भी नज़र रखे हुए था। दोनों में जबरदस्त टक्कर हो रही थी, लेकिन हमें 20 तारीख के बाद में जो शाम को हमको पता चला तो बहुत ही ज़बरदस्त टक्कर है। यानी उसमें बताया गया है कि महायुति को 137 से 47 या 50 सीटों के आसपास आ रहा है और महाविकास आघाड़ी को 135 से 45 सीटों के पास आसपास आ रहा है। यानी 10 सीटों का सिर्फ अंतर आ रहा है, जो एक बहुत बड़ी बात है। अभी हमको 23 नवंबर 2024 को ही पता चलेगा कि क्या हुआ, लेकिन यह चीज़ देखने को मिली कि बहुत ज़ोरदार टक्कर है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो बहुत कम है। जैसे मैंने कल ही एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं 2 बजे वोटिंग करने जब गया तो मैं सिर्फ वहाँ अकेला ही था, दूसरा कोई वहाँ पे नहीं था। मैं अकेला ही जाकर के वोट किया, कोई लाइन नहीं थी, कुछ नहीं थी। मैं देखकर के हैरान रह गया, ये मैंने इंटरव्यू में कहा। लेकिन शाम को मुझे फिर पता चला कि हमारे क्षेत्र में 65% के आसपास वोटिंग हुई और महाराष्ट्र में ओवर महाराष्ट्र में 55% के आसपास वोटिंग हुई है। हालांकि झारखंड में 65% हुई है। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो वोटिंग परसेंटेज हो रहा है बहुत ज़्यादा हो रहा है और शहरी क्षेत्रों में परसेंटेज कम आ रहा है। जैसे हम बॉम्बे की पकड़ें तो बॉम्बे में वोटिंग प्रतिशत बहुत कम आया है। इसके ऊपर बहुत ही मीडिया में एक बहस चल पड़ी है। तो मेरा ऐसा सुझाव है चुनाव आयोग को कि एक ऐसा नियम या कुछ बनाए कि एक वोटिंग देना एक कंपलसरी किया जाए। अब मैं तीसरी बात आता हूँ अपने क्षेत्र के ऊपर। हमारा जो गोंदिया विधानसभा क्षेत्र है उसमें अग्रवाल वर्सेस अग्रवाल की टक्कर हो रही है। यानी एक अग्रवाल जो बीजेपी में शामिल हुआ था, वो उसकी 6 साल का जो निलंबन था वो समाप्त कर दिया गया था और उसे प्रत्याशी बनाया गया था। मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि जैसे पिछले बार उन्हें टिकट नहीं दी गई थी और उन्हें चाबी के ऊपर उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन अभी भी अगर वो चाबी के ऊपर चुनाव लड़ते तो जीत सकते थे। हालांकि वो बीजेपी में आए और फूल के ऊपर चुनाव लड़े तो उन्हें बहुत बेनिफिट मिलेगा। मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कुल मिला के मेरा खुद का अनुमान है कि 23 तारीख को जो रिजल्ट आएगा उसमें हमारे एरिया के श्री विनोद जी अग्रवाल चुन के आ रहे हैं। मैं इस इंटरव्यू के माध्यम से उन्हें एडवांस में बधाई देना चाहता हूँ। विनोद भैया, आपको बहुत बहुत बधाई हो। और महाराष्ट्र में मेरा ऐसा अनुमान है कि महायुति सरकार ही आएगी, चाहे वो बहुत कम वोटों से आए। बहुत बहुत शुक्रिया।